हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 के लिए खुशखबरी आई है। जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था इनवैलिड फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए हुआ था, जिसको मिलेगा दोबारा मौका, उसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो कुछ लोगों का सवाल था कि आरआरबी जेई के रिजल्ट में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर साइड में नेट की प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नेट की प्रॉब्लम एक हिस्से में हो सकेगी तो वहाँ हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन बाकी 20 आरआरबी है वहाँ तो नहीं प्रॉब्लम है। उसकी रिजल्ट क्यों रोकी जाएगी, उनकी प्रोसेस क्यों हो सकती है? तो आरआरबी जेई सीबीटी का रिजल्ट भी आ सकता है, हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो जो एडजस्टमेंट किया जा रही है। तो यहाँ पर आप नोटिस को देखेंगे, ऑफिशियल नोटिस को ग्रुप डी के टर्म में, तो इसके लिए वेबसाइट पर चलना पड़ेगा, और ये वेबसाइट है आरआरबी कोलकाता, जिस पे कोलकाता पे अभी के डेट में 11/8/2019 RRC 1/2019 नोटिस फॉर रिव्यू फॉर रिजेक्शन एप्लीकेशन, जिसके लिए इसको अब अगर ओपन करेंगे, डाउनलोड और व्यू ओपन करेंगे तो आपके पास एक नोटिस खुल जाएगा। इस नोटिस में आपको टोटल डिटेल दिखेगा। इसमें बताया गया है, ध्यान से देखिएगा, कि RRC 1/19 लेवल 1 पोस्ट यानी ग्रुप डी का पोस्ट है, जिसमें इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है, जिसके संबंध में ये नोटिस दिया गया है। उसके बारे में भी आप देख लीजिए क्या लिखता है आरआरबी। कहता है, ऑल दी कंप्लेंट रिसीव्ड रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ फोटोग्राफ में प्रॉब्लम, सिग्नेचर में प्रॉब्लम, और भी कोई प्रॉब्लम हो तब भी आर बीइंग एग्जामिन्ड। हम एग्जाम करेंगे, उसकी जांच करेंगे, जांच करने के बाद द फाइनल आउटकम भी इनिशिएटेड टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट इंडिविजुअली थ्रू एसएमएस और ईमेल बाय 30/8/19 तक, यानी अगस्त 31 अगस्त तक आपके पास इंडिविजुअली ईमेल और एसएमएस आएगा। और अगर वेबसाइट पे आएगा तो वेबसाइट भी आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा। लेकिन आरआरबी ने बोला है आज 11 तारीख को कि आपको 31 तारीख तक आपकी स्टेटस के बारे में बताया जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है, फ़ोटो ऑब्जेक्ट करना है या क्या करना है। तो दोनों चेक करते रहिएगा। क्या क्या चेक करना है, तो यहाँ आपको चेक करना है एसएमएस, ईमेल और वेबसाइट, दोनों चेक करते रहिए। जिनका रिजेक्शन हो चुका है, यानी आपके लिए खुशखबरी है कि आपको फिर से सुझाव दिया जाएगा कि आपकी गलती कहाँ हुई है, आरआरबी से गलती है या स्टूडेंट की गलती है। अगर कोई भी होगा उसका स्टेटस आपको दिया जाएगा और सुधार करने का मौका भी साथ में दिया जाएगा। अब उन लोगों के सवाल देख लीजिए जो लोग बोल रहे हैं, तब उन लोगों के जवाब जिन्होंने बोला था कि नेट प्रॉब्लम होने के कारण से आरआरबी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसा कोई पॉसिबल ज़रूरी नहीं है कि नेट प्रॉब्लम है, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आएगा। और जम्मू कश्मीर का जानते ही हैं आप सब लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर होता है नॉर्दर्न रेलवे में, और नॉर्दर्न रेलवे की जो एरिया आती है ना, वो आती है दिल्ली के गाजियाबाद और इस एरिया तक, यानी कह सकते हैं उसके बीच में अम्बाला है, पानीपत है, सोनीपत है, आपके पास पटियाला है, चंडीगढ़ है, कहीं भी आरआरबी एग्ज़ाम ले सकता है। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जम्मू में प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि जम्मू में प्रॉब्लम होगी। जम्मू में भी देखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है कि जम्मू के कश्मीर घाटी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर रेयर होता है, सारा सेंटर आपको जम्मू एरिया में होती है और जम्मू में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जम्मू में आप एग्ज़ाम के लिए कहें नेट अभी चालू है, और साथ में कह सकते हैं आरआरबी सीबीटी का रिजल्ट अब कब आ सकता है। तो नोटिस आ रहा है अगर ग्रुप डी का, तो नोटिस आ सकता है आरआरबी जेई सीबीटी 2 का। इससे नेट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना ज़रूर है कि अगर आरआरबी के पास रिजल्ट अगर अभी प्रिपेयर नहीं है तो कैसे दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।